अपोजिशन नीट को लेकर इश्यू पे कुछ रेस करने वाले हैं? अपोजिशन के पास कोई इश्यू नहीं है, कंस्ट्रक्टिव आज तक अपोजिशन कभी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं किया जीवन में, वो केवल सदन को गिरवी रखना चाहता है। कभी किसी कार्रवाई से बाहर नहीं निकला, एक भी शब्द असंसदीय शब्द का मैंने प्रयोग नहीं किया, सबका मैंने मान सम्मान रखा है और मेरा रिकॉर्ड सभी के सामने है, मैं यही कहना चाहता हूँ। ये देखिए आज 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 का जहाँ तक देखिए, ये लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं देश में, नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और सबसे ज्यादा पेपर लीक के अगर कहीं केस सामने आए तो हरियाणा के अंदर हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि लगभग हर सरकारी भर्ती पेपर लीक का शिकार हुई। नीट जैसा इम्तिहान जिसमें लाखों बच्चों का भविष्य का निर्धारित करना, वो इम्तिहान में जिस तरह से पेपर लीक हुआ और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, ये विपक्ष को अस्वीकार्य है, इंडिया गठबंधन को अस्वीकार्य है। और इसी को लेकर हम एक चर्चा लेके आए थे और जो राहुल जी ने जो बात कही कि सब मिलकर इस पर एक दृष्टिकोण रखें, क्योंकि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बात कहने पे भी के बावजूद उनके माइक को बंद किया गया। जब नेता विपक्ष के माइक को बंद किया जाएगा, इतने अति महत्वपूर्ण विषय को जिस रूप से वो राजनीति से भी ऊपर उठ के उठा रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक है कि विपक्ष मेरे के सांसदों में इस बात पर रोष पनपा और हमने मांग करी कि इस पर डिस्कशन हो। आज भी हम सरकार से मांग करते हैं तुरंत इस पर डिस्कशन कराया जाए। हाउस अर्जन हो गया, सोमवार तक का हाउस अर्जन हो गया। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी आपका नहीं, सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक है। तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3।